अरे यार वो पड़ गए, वो पुलिस वालों के चक्कर में बचने के चक्कर। क्योंकि भैया पागल हो गए क्या? अरे भैया दीवाने हैं यार, रेड के दीवाने कह लो पागल कह लो, बस जब मन करा जब बाइक उठाए जब ये नहीं देखते कि डेस्टिनेशन कितनी दूर है, कहाँ जाना है। अरे बस चलना है, कहीं पर भी ले चलो, बस चलना है तो बड़ी चलना है, बस यही अपना रूटीन है भैया, चलना है तो बस चलना है। ये क्या हुआ? अरे और वो पड़ गए, ओ शिट 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 शिट, अरे यार वो पड़ गए, वो पुलिस वालों के चक्कर में बचने के चक्कर में और पड़ गए यार। बस ये गलती होती है जब पुलिस वालों से, वो बचने के चक्कर में स्लिप ओवर मार गए यार, स्लिप हो गए पुलिस वालों के बचने के चक्कर में। अरे बाप रे, बस पुलिस वालों के डर के मारे। यहाँ लगानी है, आगे लगाए बोलू उतर भाई, उसमें लगानी है ना। पार्किंग भी भाई टू व्हीलर की है, फोर व्हीलर की इधर उधर है। फाइनली मंदिर में आ गए, अभी ये एंट्री कर रहे हैं यहाँ से हम, और ये देखो अभी आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, बहुत अच्छा लोकेशन आएगा आपको आगे और मिलाएंगे, क्या क्या है क्या नहीं है अभी सारा दिखाते हैं आपको। देखो वो जयपुर की दोनों सुरंगें हो रही, एक ये रही एक हो रही, इसे जूम करके दिखा दूँ, देखो हो रही जयपुर, ये देखो पूरा पहाड़ी पहाड़ है, और जयपुर उधर है वो, देखो उधर वो पूरा जो दिख रहा है वो पूरा जयपुर मंदिर के अंदर। कोई फोटोग्राफी कोई वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए यार हम भी कोई वो नहीं करते। व्यू देखो यार, व्यू क्या नज़ारा है यार, अल्टीमेट। और हवाएं ऐसी चल रही, क्योंकि अभी टॉप पर है अभी अपन, तो यार हवाओं को तो फील होगा। और ये देखो पूरे, जैसे ये देखो ये पहाड़, वो आगे तक पूरे पहाड़, और वो एक छोटा सा वो दिख रहा है आपको एक पहाड़, वो भी काफ़ी बड़ा लेकिन दूर है इसलिए। और ये देखो ये नेशनल हाईवे पूरा दो सात तक का पूरा रूट दिख जाता है यार यहाँ से, और आपको शायद दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो इस कैमरे में, वो आगे जो पानी का दिख रहा है वो पूरा कांटा बांध है वो एरिया, कांटा बांध वो दिख रहा है। अब ये जो ये छोटे छोटे घर दिख रहे हैं ना, ये ऐसा लग रहा है चींटी के बराबर जैसे हो रही है, वो छोटे छोटे दिख रहे हैं बिल्कुल पूरा। और वो छोटा सा उधर भी कोई जगह है, वो उधर भी शायद गलता जी का मंदिर है, वो उधर फाइनल जो दिख रहा है। और ये देखो पूरा लोकेशन यार, क्या सीन है।
मैं अंदर मंदिर की इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि देखो यहाँ पे अलाउ नहीं है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि यार किसी के मंदिर के परिसर में अपने बारे में कोई वो हो, कोई देखे कि यार वीडियो बना रहा है। किसी की भावनाओं के साथ नहीं कर सकते यार अपन की आज आस्था है उनकी धर्म है कि फोटोग्राफी अलाउ नहीं है यहाँ पे, नहीं तो इसलिए बस। आप तो ये बाहर का जो व्यू है ना वो देखो, क्या लुक है यार, क्या नज़र है, बहुत सुकून है, रिलैक्स मिलता है बिल्कुल। यहाँ पे आकर के सारी टेंशन है फ्री हो जाती है, बिल्कुल रिलैक्स फील है, कोई शोर शराबी नहीं है। और आज यहाँ मंदिर में कोई पूजा पाठ भी है, बस उसी का साउंड आ रहा है। और ये देखो व्यू, यह एक छोटा सा गार्डन है थोड़ा घूमने फिरने के लिए, रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे। और मंदिर उधर की तरफ है, ये मंदिर का है। अरे यहाँ पे ये गार्डन एरिया है ताकि आप यहाँ पे रिलैक्स भी कर सकते हो। बस यहाँ गंदगी वंदगी नहीं फैला सकते आप, जैसे कुछ लाए तो वो अपने साथ ही लेके जाओ, या फालतू की कोई गंदगी वंदगी नहीं है। और वहाँ की तरफ शायद पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था छोटा, वहाँ पर खाना पीना कर सकते थे अपन जैसे। अब मेरे हिसाब से आई थिंक नहीं है यार वहाँ पर कुछ भी ऐसा, देखते हैं अगर मिलता है तो वहाँ कुछ नहीं तो खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे। कैसा लगा तुझे यहाँ घूम के, अपना रिव्यू तो दे दे यार, चाय की चुस्के लेता रहेगा या रिव्यू भी देगा? ऐसी जगह को देख के कोई निकलता ही नहीं हूँ मुझसे। अरे जा यार, क्यों ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो रहा है जो तेरे साथ तू बोल नहीं पा रहा? ऐसी जगह देख के चौंक गया कि हमारे आसपास भी ऐसी जगह हो सकती है। इतने साल से रह रहे हैं इनको ये नहीं पता कि यहाँ जगह भी ऐसी ऐसी। चलो चाय के शौक का पूरा करते हैं अपने। अब यहाँ से फाइनली रवाना हो रहे हम, काफ़ी घूम लिए। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि यहाँ पे सातों दिन खुला रहेगा ये, और सुबह 9 बजे के बाद से शाम को 6-6:30 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद कोई अलाउ नहीं है। और हो सके तो आते समय आप अपना आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड कुछ लेके आना पड़ेगा। कारण ये है कि कितनी बार लगता है और कितनी बार नहीं लगता, लेकिन ज़रूरी है कि ले भी ले तो देखो, ज़रूरी होता है कि आपके साथ कुछ अनेकार था, कोई होता है कुछ हादसा तो प्रूफ रहता है कि हाँ ये लोग आए थे यहाँ पे, तो ज़रूर है। वैसे भगवान ना चाहे कुछ ना हो, लेकिन लाया करो अपने साथ आईडी प्रूफ, यहाँ एंट्री करा के ही जाया करो। चलो अब यहाँ से रवानगी लेते हैं, यहाँ से रवानगी लेते हैं अपनी। अरे तू इसकी ये वीडियो कैसे बना रहा है, इसको ऐसे बोल रहा है, ऐसे घुमा यार, कब सीखेगा तू वीडियो बनाना मेरे भाई। अब आपको इस लोकेशन के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन देना हूँ तो ये है कि आप जैसे जयपुर से आगरा रोड की तरफ आओगे तो दो रास्ते हैं, एक तो उस गुणी में से और एक अपने यहाँ से क्या नाम है इसका सुरंग में से, दो रास्ते हैं। तो आप हो सके तो नीचे से आओगे, जैसे ही नीचे की तरफ आओगे आगरा रोड की तरफ तो फिर आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ एक रास्ता जा रहा है ऊपर, बस वो इसी रास्ते पे आ रहा है और लिखा हुआ भी है कि चूलगिरी लिखा हुआ है। अरे बहुत अच्छी लोकेशन है, अच्छा वीकेंड मनाओ भाई, बहुत सुबह आओ शाम तक जाओ, मज़े करो इन्जॉय करो, बस गंदगी मत फैलाना। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है क्योंकि यार देखो मंदिर परिसर में इन्होंने इतनी मेहनत करी है, साफ़ सफाई रखी है, हर टाइम सफाई वाले रहते हैं यहाँ पे, इसलिए भाई साफ़ सफाई रखा करो यार यहाँ पे साफ सफाई। जो नज़ारा है यार, क्या फील है, क्या व्यू है यार, सीन है यार, क्या नज़ारे हैं। भाऊ जी हम तो ले ही रहे,
उनको ऐसा लग रहा है रुकेंगे। अरे भैया मैं तो खुद को, ये अभी तो रुक रहे हैं यार। यार भाई यहाँ पे रुक के कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मत किया करो यार, पहले पुलिस वाले मना कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ रुक के कोई फोटोग्राफी भी देखो। दारू में चल रही मस्त, क्या बात है, दारू में चल रही है बहुत तगड़ी गाड़ी। अरे यहाँ बीच में मत रुका करो, हम भी यार गलती कर दिए थे, अभी रुक के रुकना नहीं चाहिए क्या यार। कोई कैसे चढ़ता है, कोई कैसे चढ़ता है, ये भी कोई राइडर है, इसकी कोई वीडियो बनाना है। राइडर जा रहे भाई राइडर, इनको भी आज ही टाइम मिल रहा है सबको वीडियो बनाने का, आज जिस दिन मैं बना रहा हूँ। क्या यार, अरे इनको भी आज ही मन कर रहा है वीडियो बनाने का, तो इतने दिन पहले क्यों नहीं बनाया। देखते हैं किसका वीडियो ट्रेंडिंग में जाता है, डायलॉगो इसी बात पे लाइक और कमेंट्स करके बता दो किसका, तुम्हारे भाई का वीडियो अच्छा है कि इन लोगों का वीडियो अच्छा लगा, जरूर बताएंगे। सावधान रहे, सतर्क रहे। आप गाड़ी से भी आते हो तो ये रास्ता है, और अगर सीढ़ियों पैदल आते हो तो ये पैदल का रास्ता है, यहाँ से सीढ़ियाँ जाती है ऊपर तक, तो सीढ़ी का भी रास्ता है। जरूरी नहीं कि आप बाइक से आओ, कार से आओ, पैदल भी आ सकते हो। जैसे यहाँ से गाड़ी उतरी और फिर ये जो रास्ता जा रहा है ये सीढ़ियों का रास्ता है, और ये सुरंग से जो रास्ता आ रहा है वो सुरंग तो ऊपर से गया, और जो मैं कह रहा हूँ नीचे से जयपुर से नीचे का जो रास्ता आता है गुणी का, वो आकर के और यहाँ से छड़ जाता है, तो चूलगिरी का ये रास्ता है। और कोई बस में भी आता है और गाड़ी से नहीं आ पाता है, तो यहाँ पे इनको ऑटो वालों को कर सकता है, कुछ जो चार्ज लगता है वो चार्ज लगेगा और ये आपको ऊपर तक छोड़ देते हैं और वापस। भाई थोड़ा घूम लिया, फिर लिया, खा लिया, खाया भी क्या, छोटा मोटा खाया है। अब घर के लिए वापस रवानी ले लिया, घर जा रहे हैं, तो अभी टाइम अराउंड हो रहा होगा 5:30 के आसपास, तो चल दिया हम। ठीक है, वो तो छोटा एक वीडियो बनाना था कि आपको एक दिखाना था जगह। अब वो जो मैं ऊपर से जो भी व्यू नज़ारे दिखा रहा था वो सब यही नज़ारे दिख रहे थे। अब ये जो छोटा मोटा जो दिख रहा था मार्केट सा, बस छोटे छोटे से मार्केट दिख रहे थे ऊपर से, तो अरे यहाँ देख लो कितने बड़े बड़े मार्केट हैं। अरे गाड़ी का नाम है ना कुछ अजीब से नहीं लग रहा, पुंच। अरे चल मेरे पुंच। अरे चल रे पुंच चल। चल वीरे चल यार, न्यू गड्डी लेके आया तो पुंच कर इसको। अरे भाई पीछे भी गड्डी है भाई, चल चल वीरे चल, न्यू नवी गड्डी है तो भैया इतना देख। ओहो नवी गड्डी को नहीं, अबे कुत्ता कीचड़ में कुदाएगा इसको, नवी गड्डी नू, वे नवी तो नहीं है, हो गया यार काफ़ी टाइम। चलो बढ़िया भाई, अरे ये तो ऐसे ही चलेगा यार, नया ड्राइवर नई गड्डी। अरे भाई तो मोबाइल में लग रहा है, अच्छा मेन तो ये लफड़ा है कि मोबाइल में लग रहा है, जो भी धीरे चल रहा है, नया ड्राइवर है। इंडिकेटर तो दे देता, क्या मतलब है यार खींचने से इतना भी यार, जब घर आ रहा, अब घर आराम से जाना तो फिर क्यों खींचा था नहीं करने की यार, 2 मिनट लेट से। तो भाई लोगों इस वीडियो को यहीं एंड करने का समय आ चुका है, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, और अपने चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना यार।